लैंड जिहाद जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन हमने कहा है हम अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई किसी प्रकार से भी हो। अतिक्रमण को बिल्कुल कब्जा, अतिक्रमण सरकारी जमीनों पर कब्जेदारी, ये किसी कीमत पर नहीं होगी। और उसके लिए हम जो आगे बढ़ गए आप सबके आशीर्वाद से, अब हम रुकने वाले नहीं है जब तक कि पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड को नहीं कर देंगे। उत्तराखंड सरकार अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रही है, इसमें कई अवैध मजदारों पर बुलडोजर भी चलाया गया है। इससे कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है। इसको लेकर उधम सिंह नगर के काशीपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन कर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि अवैध अतिक्रमण के नाम पर वर्ग विशेष के धर्म स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तराखंड में अनेक धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं जिनके अलग अलग धार्मिक स्थल हैं, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ एक विशेष समुदाय की आस्था केंद्र को टारगेट बनाकर उन्हें ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जो सामाजिक ताने बाने को, एकता के भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि मजारों से सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही आस्था नहीं रखते बल्कि अन्य धर्म के लोग भी आस्था रखते हैं। अपना दर्द लेके यहाँ पर आए हैं और सभी लोग चाहते हैं जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है, किसी पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर के उसके साथ ये सब कुछ करना वो अच्छी बात नहीं है। जैसे कि मालूम है 1000 समथिंग कुछ जो धर्म स्थल तोड़ने की बात है, उसमें से लगभग 150 ही मुस्लिम समाज के धर्म स्थल हैं, बाकी धर्म स्थल जो हैं वो दिगर समाज के लोगों के हैं। उसमें एक में भी आज तक कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ मुस्लिम धर्म के स्थलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। लिहाजा एक पटियों के एक को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार काम करें। 1980 के बाद से पहले कोई भी धर्मस्थल तोड़ा नहीं जाएगा, ये अधिनियम में तय है, उसके बाद भी सब कुछ हो रहा है तो ये सब गलत है। देखिए, हमने यहाँ पर SDM साहब से हमने जो मांग की है, हमने ज्ञापन पेश किया है उनको इस मामले को लेकर के। देखिए, हमारी पूरी मुस्लिम कौम आज गम के आंसू रो रही है, परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर शर्मिंदा भी हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गों की कई कई सौ साल पुरानी जो मज़ारात थे, बल्कि उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तराखंड बनने से पहले जो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ उससे भी पहले से जो मज़ारात थे वो आज अवैध अतिक्रमण के नाम पर जो है वो उनको तोड़ा जा रहा है। हमारी यही गुजारिश है प्रशासन शासन से, हुकूमत से, कि उनको जो है इस तरह से जो है न तोड़ा जाए। जिस तरह और धर्म के लोगों को अपने मज़हब की जो है इबादत के लिए उनको जगह दी जा रही हैं, वैसे ही हमारे मज़हब के लिए भी हमें ये मज़ारात हैं, मस्जिदें, हमें भी इनके लिए जो है को किया जाए पूरा पूरा मामला, ताकि इस पर जो है हम जो है सुकून इत्मीनान बनाए रखें। चलिए, हमने ज्ञापन SDM साहब को पेश कर दिया है आज, और बड़ी शांति के साथ में हम शहर के जिम्मेदार हमारे साथ में सभा हुए हैं, हम यही चाहते हैं कि ये बात हमारी ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।